हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पी नेचुरल विद मी में। तो फ्रेंड्स, मीशो से मैंने कुछ प्लांट्स मंगाए थे, तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करूंगी कि किस तरीके के प्लांट्स मुझे रिसीव हुए हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। क्योंकि अगर आप ऑनलाइन कुछ प्लांट्स को ख़रीदना चाहते हैं तो आप उनको ख़रीदें या नहीं, वही मैं आप लोगों के साथ बताऊँगी कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने कौन कौन से प्लांट्स ऑर्डर किए थे। तो मैंने हिबिस्कस का कॉम्बो पैक था फ्रेंड्स, उसमें तीन कलर के हिबिस्कस बताए हुए थे, तो मैंने उनको परचेज़ किया है 120 या ऐसे कुछ प्राइस में। और एक मैंने मंगाया था बोगनविलिया का प्लांट, तो ये पहला वाला जो प्लांट मैंने खोला है फ्रेंड्स, ये हिबिस्कस के प्लांट्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें तीन प्लांट्स मुझे रिसीव हुए हैं, और किस तरीके के प्लांट रिसीव हुए हैं फ्रेंड्स आप वो देख सकते हैं कि मुझे कुछ अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला है, मतलब मुझे अच्छे नहीं लगे हैं। मुझे ये लग रहा है कि मैंने पैसे वेस्ट कर दिए हैं। तो देखिए, इस ऐसी कंडीशन में ये आए हैं, और जो इसमें मिट्टी लगी हुई है फ्रेंड्स, वो बहुत चिकनी मिट्टी लगी हुई है। तो मैंने पहले भी कुछ प्लांट्स मंगाए थे, लेकिन इस तरीके के प्लांट्स जो अभी मुझे रिसीव हुए हैं फ्रेंड्स, वो बहुत ज़्यादा बेकार कंडीशन में मुझे मिले हैं। तो ये देखिए, एक यही प्लांट एक थोड़ा सा कुछ सही है, और बाकी ये बिल्कुल न्यू कटिंग्स है जो लगाई हुई हैं, यानी कि इसमें ज़्यादा रूट्स भी नहीं बनी हुई हैं। वो मैं आपको दिखाऊंगी आगे, कुछ मिट्टी जैसे मैं निकालूंगी, क्योंकि ये चिकनी मिट्टी है। अगर ऐसे ही आप एज़ इट इज़ अपने प्लांट को लगा देते हैं तो आपका जो प्लांट है वो बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं करेगा, क्योंकि ऐसी जो मिट्टी होती है फ्रेंड्स, उसमें रूट्स डेवलप नहीं हो पाती, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी है। तो ऐसी मिट्टी में कोई भी प्लांट ज़्यादा दिनों तक सर्वाइव नहीं कर सकता है, तो इस मिट्टी को हमें हटाना पड़ेगा। तो मैं ओपन कर रही हूँ फ्रेंड्स, और रात को मैंने इस प्लांट्स की, आप मिट्टी देख सकते हैं, देखिए फ्रेंड्स किस तरीके की चिकनी मिट्टी है। तो जब हम ऑनलाइन मंगाते हैं तो इसी तरीके की मिट्टी में हमें प्लांट मिलता है, क्योंकि ये मिट्टी टूटती नहीं है, और क्योंकि कहीं से दूर से अगर प्लांट कुरियर में आया है तो वो हमारा जो प्लांट होता है वो जो है डैमेज नहीं होता है इस तरीके की मिट्टी में, और ये पानी को भी होल्ड करके रख लेता है, इसलिए इस तरीके की मिट्टी में हमारे प्लांट को लगाकर भेजा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, मैं इनको अभी पॉट नहीं दूंगी, तो मैं इस तरीके के कैरी बैग में इनको लगाऊंगी, पॉली बैग में। तो मैंने चार पॉली बैग तैयार कर लिए, और सुबह सुबह मैं आ गई हूँ अपने किचन गार्डन में। तो ये मैंने फ्रेंड्स रात को अनबॉक्सिंग की थी, और सुबह मैं इनकी जो है रिपोर्टिंग कर रही हूँ। तो आप देखिए कि इस तरीके की मिट्टी है इसमें, तो इसमें कोई भी आपका जो प्लांट है वो डेवलप नहीं होगा, तो ये मिट्टी हमें हटानी पड़ेगी। और ये फ्रेंड्स बहुत ही न्यू कटिंग है, यानी कि अभी की ही कटिंग है, तो मुझे नहीं पता कि ये चलेंगी या नहीं चलेंगी। तो जो भी रिज़ल्ट होगा मैं आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी, तो उसके लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स। अगर मेरी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि सारी अपडेट आप लोगों के साथ जो भी अपडेट मैं शेयर करती हूँ आप उसको देख सकें। और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसकी जानकारी आपको मिल सके और आप मेरी वीडियो को देख सकें। तो देखिए, मैंने यहाँ पर जो मिट्टी है उसको रिमूव कर दिया है, हटा दिया है, और देखिए कि इसमें रूट्स भी नहीं बन रखी हैं इस तरीके का। इसका मैंने सारा जो मिट्टी थी वो हटा दी थी देखने के लिए। तो देखिए, बिल्कुल न्यू कटिंग है ये, और रूट्स बहुत थोड़ी सी डेवलप हो रखी हैं, तो मुझे नहीं पता कि ये होगा कि नहीं होगा फ्रेंड्स। तो चलिए कोई बात नहीं, अब जैसा भी आया है उसको हमें लगाना तो पड़ेगा ही, फेंक तो नहीं सकते हैं हम, क्योंकि हमने पैसे लगाए हैं। तो 200 कुछ रुपीस के ये चारों प्लांट्स मुझे मिले हैं। तो इससे अच्छा होता फ्रेंड्स कि मैं नर्सरी से जाकर लेकर आ जाती, क्योंकि नर्सरी में जाने का फ्रेंड्स टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं ऑनलाइन ही मंगा लेती हूँ, क्योंकि प्राइस भी मुझे सही लग रहा था,
लेकिन प्रोडक्ट देखकर मुझे बहुत निराशा हुई है। तो आप लोग अगर मंगाना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो किसी अच्छे ऑनलाइन जो ऐप होते हैं प्लांट्स के, उन्हीं से मंगाइएगा। ऐसे वैसे किसी ऐप से मत मंगाइएगा, क्योंकि इस तरीके के प्रोडक्ट आते हैं तो वो अच्छे नहीं होते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखिए थोड़ी थोड़ी मिट्टी जो है सबकी हटा ली थी, पूरी मिट्टी मैंने नहीं हटाई थी और थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी मैंने हटा दी थी। तो मैं इनको अभी कैरी बैग में ही, इस तरीके के पॉली बैग में ही इनको मैं शिफ्ट कर दूँगी। और जैसे अगर मुझे लगेगा कि हाँ मेरे प्लांट्स चल गए हैं, उनमें अच्छी थोड़ी सी ग्रोथ मुझे दिखने लगेगी, तो मैं धीरे धीरे इनको जो है पॉट दे दूँगी फ्रेंड्स। तो फ़िलहाल के लिए मैं इनको अभी इसी तरीके के बैग्स में लगा रही हूँ। तो इनको लगाने के बाद फ्रेंड्स, हमें इनको शेडी एरिया में ही रख देना पड़ेगा, क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो गई है। और अगर डायरेक्ट हम इन्हें धूप में ही रख देंगे तो जो थोड़ी बहुत जो उम्मीद है कि प्लांट हमारा चल जाएगा, तो वो भी मुझे नहीं लगता कि ऐसे चल पाएगा। तो इसे जो भी, क्योंकि अभी गर्मी भी ज़्यादा है, सर्दियों में फिर भी हम थोड़ा सा धूप में रख सकते हैं प्लांट को, लेकिन गर्मियों में हमें प्लांट को जब भी हम रिपॉट करते हैं तो हमें कुछ दिनों तक इसे शेडी एरिया में ही रखना है। तो मैं तो इसे काफ़ी दिनों तक शेडी एरिया में रख दूंगी, जब तक मुझे इसमें कोई नई ग्रोथ नहीं दिखेगी। तो ये फ्रेंड्स बिल्कुल न्यू कटिंग है, शायद अभी फरवरी में ही इनको लगाया हुआ होगा, तो थोड़ी थोड़ी इसमें रूट आई हुई है। तो अब ये नहीं पता कि इसी मिट्टी में इनको लगाया गया है या फिर इनको वो करके दिया है, मतलब पैक करके दिया है इस मिट्टी में। तो शायद पहले से ही लगाया होगा, क्योंकि मिट्टी के बाहर से भी थोड़ी थोड़ी कुछ रूट्स दिख रही थी। तो मैंने इसको ऐसी मिट्टी में लगाया है, बिल्कुल पोरस मिट्टी में लगाया है। अगर ये मेरा प्लांट चल जाएगा फ्रेंड्स, तो इसकी जो रूट्स है बहुत जल्दी इस ऐसी मिट्टी में फैल जाएंगी और बहुत जल्दी ये प्लांट मेरा ग्रोथ पकड़ लेगा, अगर ये प्लांट मेरा चल गया तो। तो जो भी अपडेट होगी फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने अपने सारे प्लांट्स लगा दिए थे पॉली बैग में। तो चार प्लांट ये थे और थोड़ी थोड़ी जो मिट्टी थी वो मैंने निकाली थी, मैंने सारी मिट्टी नहीं निकाली थी। तो सुबह का टाइम अच्छा होता है फ्रेंड्स रिपोर्टिंग करने के लिए। अगर आप रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो सुबह बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग आप इसकी रिपोर्टिंग कर दीजिएगा, और नहीं तो आप शाम को कर सकते हैं। तो शाम को तो मेरा टाइम ज़्यादा हो जाता है, अंधेरा सा हो जाता है 6:30 बजे, जब मेरा ट्यूशन ऑफ होता है फ्रेंड्स। तो मैंने सोचा कि मैं सुबह ही इसकी रिपोर्टिंग कर दूँ और वीडियो भी बना लूँ, क्योंकि एक वीडियो तो डेली बनानी ही पड़ती है। क्योंकि फ्रेंड्स अब तो आदत भी हो गई है, अगर जब तक वीडियो ना बनाओ तो ऐसा लगता है कि पूरा हमारा दिन ही पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि अब ये भी एक काम सा लगने लगा है कि ये हमारा दिन भर का मतलब रूटीन में आ गया है कि डेली वीडियो बनानी है। क्योंकि वीडियो बनाने से फ्रेंड्स आप लोगों के साथ थोड़ी सी कनेक्टिविटी महसूस होती है, ऐसा लगता है कि जो भी गार्डनिंग में मैं काम करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसमें पानी डाल दिया है इन पौधों में, और अच्छे से पानी हमें डालना है ताकि हमारी जो मिट्टी है वो नीचे तक बिल्कुल जो है भीग जाए। और इसकी मिट्टी को फ्रेंड्स हमें मॉइस्ट ही रखना है, हमें इसकी मिट्टी को ड्राई नहीं होने देना है। तो आप चेक करते रहिएगा अपने प्लांट्स को, अगर आपकी मिट्टी जो है ड्राई है आप उसमें पानी डालते रहिएगा और इसको शेडी एरिया में रख दीजिएगा। अगर आप इस तरीके की प्लांट्स की शॉपिंग करते हैं और उनको रिपोर्ट करते हैं, अगर इस तरीके के प्लांट आपको रिसीव होते हैं, तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, आप उसी तरीके से रिपोर्टिंग कीजिएगा। और हो सके तो वैसे ऑनलाइन के बदले आप ऑफलाइन प्लांट्स की शॉपिंग करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैं तो कुछ लालच में ही आ गई थी, सोचा कि घर में बैठे बैठे मुझे प्लांट्स मिल जाएंगे। तो बस फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।